100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। कोरोना ने हर किसी को दर्द दिया, किसी से उसका जीने का सहारा छीन लिया तो किसी से रोटी और रोजगार। कोरोना महामारी ने लोगों को दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। लोगों के काम धंधे चौपट हो गए। हर शादी समारोह में चार चांद लगाने वाले बैंड बाजे वालों की जिंदगी भी लॉकडाउन की वजह से थम सी गई। बाजा ना बजे तो शादी कैसी, बाजा ना बजे तो नेताजी का स्वागत कैसा, बिना बाजे का मांगलिक कार्यक्रम कैसा, और बाजा ना बजे तो अंतिम सांसों की विदाई कैसी। बैंड बाजे की धुन पर नाचने वाली दुनिया कोरोना के कहर में खामोश हो चुकी है और शहनाइयों से निकलने वाले सुर बदहाली और बेरोजगारी का दर्द भरा तराना गा रहे हैं। शादी पर खुशी की राग छेड़ने वाली शहनाई अब इनके बेरोजगारी और बेबसी की धुन सुना रही है। अब ना गलियों से बारात गुजरती है और ना बैंड बाजे की धुन सुनाई देती है। लॉकडाउन की वजह से शादी नहीं हुई तो बैंड बाजे वालों का काम भी बंद पड़ गया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रहने वाले मनान खां पेशे से बैंड पार्टी के संचालक हैं। इनके ग्रुप में काम करने वाले साथी बिहार बंगाल के थे। महामारी की वजह से काम नहीं हो रहा था तो वो भी अपने घर वापस चले गए। लॉकडाउन की वजह से शादियां कैंसिल हुई तो मनान खां की सारी बुकिंग भी कैंसिल हो गई। मनान खां का काम बंद हुआ तो परिवार चलाना मुश्किल हो गया। लेकिन इतने तक ही इनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने शादी समारोह के लिए मनान का बैंड बुक किया था, अब वो बुकिंग के लिए दिया हुआ एडवांस वापस मांग रहे हैं। मनान की समस्या ये है कि उन्होंने एडवांस के तौर पर जो पैसा लिया था उसको अपने साथ काम करने वालों में बांट दिया। अब ना मनान के पास काम है और ना ही पैसा। मनान लोगों के पैसे वापस करें तो कैसे। मैं मनान खां पक्का कोट हेड ऑफिस सियाचर जिला बलिया के बैंड पार्टी के संचालक मनान जी। स्थिति तो बहुत गड़बड़ है। जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से हर कलाकार हमारे साथ 20 लोग अपने बाल बच्चों के रोटी रोटी के लिए कमाते थे, वो लोग भी अपने घर बैठ गए, हम मजबूर होकर बैठ गए। मेरे साथ जो एडवांस हुआ था वो लोग भी वो सबको दे दिया हमने। अब आज मुझसे मांगा जा रहा है। मैं रोजगार बेसहाय बैठा हूँ, अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊँ, अपने बच्चों को कैसे पालन करूँ। आगे कोई बंगाल का रहने वाला है, कोई बिहार का रहने वाला है, जो हमने एडवांस लिया वो पैसा सभी लोग लेकर चले गए। आज मजबूर मैं अपने घर बैठा हूँ, अपने बच्चों को कैसे रोटी रोजी खिलाऊँ करूं या रहूं। ये सारी व्यवस्था मेरे ऊपर आज आफत पड़ी है। न कोई सरकार के लोग देख रहे हैं, न मुझे कोई सुनवाई हो रही है, मेरे तरफ सरकार की निगाह नहीं है। इसलिए कि मैं हर जगह हर उत्सव पर जहां नेता मंत्री हर मंच लगते थे, जहां मुझे बैंड बाजा की आवश्यकता आती है, शादी ब्याह की खुशियों में आती है, मंदिर की पूजा में आती है, हर जगह मुझे खोजा जाता है। आज कोई नहीं पूछ रहा ये आपदा समय में मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से दो रोटी खाऊँ, कहाँ से कमाऊँ, कहाँ से अपने बच्चों को पालन करूँ। आज मेरे तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं है। मैं हम लोग पूरा बैंड ग्रुप के गार्जियन क्या करें, हम लोग असहाय पड़े हुए हैं। इसमें सरकार से निवेदन है कि हम लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, अथवा हम लोग भी मर जाएंगे खाने बिना, रोटी बिना, कपड़े बिना, बच्चों को कैसे पालेंगे। हमारे साथ रहने वाले 22 लोगों की संख्या में ग्रुपिंग हम चलाते थे, वो भी सारे लोग भूखे मर रहे हैं। जो एडवांस लिए वो पैसा वापस देने को आज सरकार, मेरे पास पैसा नहीं है, हम सब कलाकारों में वितरित करके बांट दिया, वो पैसा वापस नहीं आएगा। किसी कस्टमर को पैसा कैसे वापस करेंगे, ये सोचने समझने से बाहर जा रहा है। दिमाग उलझन में है कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ, मेरे लिए व्यवसाय कौन सा है, कौन सा धंधा करके अपने बच्चों का पालन करूँ।
लॉकडाउन में काम जरूर बंद हुआ, लेकिन जरूरतें नहीं। एक तरफ जहां काम नहीं तो दूसरी तरफ कर्जदारों की मांगे। परिवार के पास खाने को नहीं, सोचिए उस परिवार का क्या हाल होगा जिसके पास पैसे नहीं, घर में चार बच्चे हों, ऊपर से त्योहार हो। किसी का रोजगार बंद होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी उसके परिवार को होती है। मनान खां का परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार की पीड़ा मनान खां की पत्नी के आंसू बता रहे हैं। कैसे मनान खां की पत्नी का गला ये कहते कहते रुंध गया कि घर में चूल्हा कैसे जलेगा ये समझ में नहीं आता। शकीला ने कहा, इस बार ईद में सेवैयां जरूर बनी पर मिठास कम थी। ये बातें बताते बताते शकीला की आंखें नम हो गई। शकीला की तीन बेटियां हैं, वो परेशान हैं कि काम नहीं मिला तो उनकी शादी कैसे होगी। बेटियों की शादी की बात करते करते उनके दिल का दर्द आंसू बनकर छलक पड़ा। शकीला, अभी जैसे आपके हस्बैंड जो है वो बैंड पार्टी जो ग्रुप चलाते हैं, अभी लॉकडाउन है, उसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है आपको अपना घर चलाने में? बहुत दिक्कत होता है, अब लड़कियों के पढ़ाना है, पढ़े के दिक्कत होता, अब खाना कपड़ा के दिक्कत होता, त्यौहार आ गया इसमें तो अब सब कुछ हमारा दिक्कत हो रहा है। कैसे घर से का खर्चा चलाएंगे करेंगे? हाँ, तो हमारा बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग लड़की का ब्याह शादी करना है। हाँ, दुख बताए लम कहलन कि भाई कैसे हमने के दिक्कत बाटे, पैसा रुपया हमने के हाइए नहीं किए, पैसा रुपया सबको देवे के बाद सब साटा वाला पैसा मांगते हैं, तब क्या करेंगे हम लोग? तब हम लोग क्या करेंगे, कौन काम है, बैठ गए हैं घर पे। तो आपके पति सिर्फ बैंड बाजी का ही काम करते हैं? हाँ, बस वही काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं, कोनो काम नहीं, बैंड पार्टी चलाता है। तो सरकार क्या कोई मदद कर रही है आपको? कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं मदद कर। अब ईद तो हम लोग का कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं बना, अब कहाँ से ईद, तो उसी तरह जिस तरह करता है उसी तरह करते हैं। एक माँ के तौर पर जब आप अपने बच्चों की तरफ देखती हैं और दूसरी तरफ देखती हैं कि आपके हस्बैंड जो है कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हैं, कितना कष्ट होता है? बहुत कष्ट होता है, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से कपड़ा, कहाँ से हम लोग का कुछ जुटाएंगे, शादी ब्याह करेंगे कहाँ से करेंगे, बहुत दिक्कत हो रहा है। लड़की जवान हो गई है, पढ़ने के लिए सब पढ़ाई बंद हो गया, सब कहाँ से हम लोग के देंगे करेंगे। लॉकडाउन की वजह से नूर नैन भी परेशान है। घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन कर्जदार उनसे पैसे मांग रहे हैं, सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। नूर नैन कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बच्चों को खाना कपड़ा कहाँ से ला कर दें, काम बंद है पर जरूरतें तो वही हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। बलिया से मुमशाद अहमद की रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से सिर्फ मनान खां और नूर नैन का ही परिवार नहीं परेशान है, बल्कि वो सभी लोग परेशान हैं जिनका काम लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया। अब लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट मिल रही है, शायद आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य भी हो जाए, लेकिन इस महामारी ने लोगों को जो दर्द दिया है उसके निशान ताउम्र रह जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव 24।